दिल्ली में हो रहे फार्मर प्रोटेस्ट के चलते न ही सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सिलेब से लेकर इंटरनेशनल सिलेब सोशल मीडिया पर हुए नेटिजंस द्वारा ट्रोल के शिकार। पहले कंगना, फिर दिलजीत दोसांझ, उसके बाद हॉलीवुड पॉप सिंगर रिहाना और अब अक्षय कुमार। दरअसल किसान आंदोलन के चलते सोशल मीडिया पर हाल ही में कंगना और रिहाना के बीच छिड़े जंग में कई और बॉलीवुड सेलेब्स ने कंगना का सपोर्ट करते हुए रिहाना को दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा कि हमारे देश में क्या चल रहा है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। वहीं अक्षय ने भी ट्वीट करते हुए कहा, फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री एंड द एफर्ट्स बीइंग अंडरटेकन टू रिजॉल्व देयर इश्यूज आर एविडेंट। लेट्स सपोर्ट एन एमिकेबल रिजोल्यूशन रादर देन पेइंग अटेंशन टू एनीवन क्रिएटिंग डिफरेंसेस। अक्षय की ट्वीट के बाद पंजाबी सिंगर जैसी बी उन पर बरस पड़े। रीट्वीट करते हुए कहा, वाह जी वाह भाई, अब ट्वीट कर रहे हो। किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तब आपके पास से एक ट्वीट नहीं आया और आप उसे प्रोपेगेंडा बता रहे हो। तुम सिंह इस किंग नहीं हो सकते, क्योंकि असली किंग तो धरने पर बैठे हैं, नकली किंग अक्षय कुमार। अक्षय कुमार खुद एक सरदार है और फिल्मों में भी सरदार का किरदार निभाने से पीछे नहीं हटते। उनके इस रोल से अक्षय ने पंजाब और हरियाणा के लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी, पर ये क्या कर दिया अक्षय ने। सिर्फ एक ट्वीट की वजह से अब सारे सरदार अक्षय पर मानो बुरी तरह बरस पड़े हैं। पहले जैसे भी, फिर पंजाबी सिंगर रंजीत बाबा ने तो सिर्फ अक्षय को ही नहीं बल्कि करण जौहर और अजय देवगन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद को पंजाबी कहते हुए। यहां तक कि सिंगर जैस दामी ने तो अजय देवगन को चमचा तक कह दिया। ये मुद्दा अब इतना बढ़ चुका है कि बॉलीवुड के सभी सितारे एक तरफ और पंजाबी सेलेब्स एक तरफ हो चुके हैं।